मलाई चाप आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली की सबसे बेहतरीन और सबसे रॉयल मलाई चाप। एक बार में 80 किलो बनाई जाती है और ये लोगों को इतनी पसंद है कि 4 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो जाती है। तो अगर आपको चाप जरा मरासी भी पसंद है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले देखिए चाप डाली जा रही है, और भैया कितने किलो चाप होगी ये? 70-75 किलो फ्राइड चाप है। तो गाइस ये 70-80 किलो जो चाप आपके सामने है, इससे मलाई चाप बनेगी सारी से अजवाइन, और अजवाइन के बाद ये कसूरी मेथी डाली गई है, और अब ये क्या डाला जा रहा है भैया? ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये नमक डाला जा रहा है इसके बाद, और ये क्या भैया? धनिया पाउडर डाला गया है। और गाइस धनिया पाउडर के बाद इन्होंने अपना स्पेशल मलाई चाप मसाला डाला है जो ये खुद बनाते हैं। इसके बाद इसमें चाट मसाला डाला गया है, और गाइस देखिए जितना भी ये मसाला लिया गया है इसमें, अब ये सारा अच्छे से मिलाया जाएगा। और गाइस 70-80 किलो चाप है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मसाले को मिलाने में। और इसके बाद इसके ऊपर इनके जो स्पेशल चीजें हैं वो आएंगी कि मलाई चाप बन रही है, और बहुत ही रॉयल मलाई चाप बनेगी। तो गाइस देखिए ये इसके ऊपर आ गया काजू और मगज का पेस्ट, तो नॉर्मल मलाई चाप नहीं बनने वाली है, बहुत ही रॉयल बहुत ही स्पेशल टेस्ट आएगा इसमें। और अब देखिए काजू और मगज का पेस्ट डालने के बाद एक बार फिर से मिलाया जा रहा है सब कुछ, और गाइस बहुत अच्छे से मिलाया जा रहा है कि जितनी भी ये चाप है सबके ऊपर जाना चाहिए, सारे मसाले हर एक में आने चाहिए, और जो काजू और मगज का पेस्ट डाला है वो भी हर एक में फील हो, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलाया जा रहा है इसे। और गाइस देखिए एक बार और इसमें आ गया है काजू मगज का पेस्ट, तो काजू मगज केवल नाम के लिए नहीं है, यहाँ पे ढेर सारा डाला जा रहा है। अब ये देखिए बिल्कुल जो चाप है नहला दी गई है काजू मगज के पेस्ट से, अब इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ा जाएगा। तो गाइस आधा घंटा हो चुका है, और अब देखिए अपनी ये चाप जो स्टिक पे लगाई जाएगी, पहले अनियन ली है, उसके बाद आई है कैप्सिकम, और अब चाप आएंगी। भैया एक प्लेट में कितनी है? 8 पीस आएंगे एक प्लेट में। तो गाइस 150 रुपए प्राइस है, 8 पीस आएंगे, और आप देख सकते हैं कितना मगज और काजू का पेस्ट लगाया हुआ है इसके ऊपर। और अभी ये तैयार नहीं हुई है, अभी बहुत सारा बटर आएगा, मलाई आएगी। तो ये अपने 8 पीस आ गए हैं, इसके ऊपर आ गई है प्याज, और ये इसके बाद लगाई जाएगी शिमला मिर्च, और अब यहाँ से जाएगा तंदूर में। भैया कितनी देर रहेगा तंदूर में? ये भी 7 से 8 मिनट में सिक जाएगा, 7 से 8 मिनट में। तो गाइस ये देखिए अभी सिक चुकी है बढ़िया तरीके से, अभी से तंदूर से बाहर लाया गया है, और जो अपनी चाप लगाई गई थी वो देखिए अब काउंटर पर आ चुकी है सारी, और देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है यहाँ पे लग के। अब चाप अपनी उतार ली गई है, अब इन्हें चॉप किया जाएगा, क्रीम बटर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना, अंदर तक चला जाएगा। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है कि क्रीम और बटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से काट ली गई है, अब ये ली गई है बॉल के अंदर, पहले चाट मसाला, पहले इसमें आया चाट मसाला, ऊपर आया क्रीम, ऊपर देखिए क्रीम आई है, ऊपर आया बटर, और क्रीम के बाद इसमें आया बटर। और ये नहीं भूलना कि पहले इसमें बहुत सारी काजू और मगज का पेस्ट लगा हुआ है, और अब सब कुछ देखिए अच्छे से मिक्स किया जा रहा है इसमें। तो गाइस अगर आपको बटर पसंद है क्रीम पसंद है, मुंह में पानी आ जाएगा देखिए। भैया हो गई है तैयार? बिल्कुल रेडी है। तो जल्दी से लगा दीजिए भैया, आ गई आपकी प्लेट। ये भैया फुल प्लेट लगी 150 प्राइस, साथ में मिंट चटनी। तो गाइस अब टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका, बटरी क्रीमी और काजू का हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है, और जो चाप है बहुत बढ़िया तरीके से पकी हुई है तंदूर में, कहीं से कहीं तक चाप का कच्चापन महसूस नहीं हो रहा है। मतलब मलाई चाप आपको दिल्ली के हर चाप वाले में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको दा मलाई चाप खानी है तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा खन्ना तंदूरी जंक्शन पे, तो यहाँ आपको मिलेगी दिल्ली की सबसे सबसे बढ़िया मलाई चाप। ना केवल मुझे पसंद है, क्वांटिटी आपको दिखाई कि एक दिन में कितनी बनती है, 70 से 80 किलो मलाई चाप बनती है, तो बहुत लोगों को पसंद है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड, एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।